सिस्टम अच्छा, इसके वो स्टार्ट। कर लिया आपने जो अटेंडीज म्यूट ज्वाइन करें? एक सेकंड, नहीं उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसके अंदर वो जूम के अंदर नहीं हमने किया, हम डट बस लाइव आ रहे हैं, बस हम लाइव आ चुके हैं बस। अच्छा अच्छा जी, चलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो अभी भी हम लाइव हुए हैं, जो हमें देखने जा रहे हैं और जो भी हमें आके अभी देखेंगे और हमारी जो है डिस्कशन को सुनेंगे, उन सबको मेरा सलाम। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जो हैं वो रोजे अच्छे गुजर रहे होंगे, और रमजान के बबरकत महीने में आप जो हैं अपने लिए अच्छे तरीके से वसाइल को भी यूटिलाइज लाते हुए हलाल रोजी कमा रहे होंगे। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, जो पीएमआर ट्रेनिंग्स पे जिनको हमने बुलाया है, और एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक अभी मेरा इनसे डिस्कशन भी हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, के मैं इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपका माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा एक नाम है और आप लोगों के लिए एक लर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो आप लोगों को बल्कि ज्यादा मार्केट के अंदर आना चाहिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने एक्सपीरियंस से लोगों को गाइड करना चाहिए कि किस तरीके से इस मुश्किल टाइम के अंदर ऑनलाइन बिजनेसेस को लेकर चला जाए। अच्छा जी, मैं इनका इंट्रोडक्शन करता करवाता चलूं, और मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी ज्यादा लोग तो इनको पहले से ही जानते होंगे, बड़ी एक जानी पहचानी एक हस्ती है ऑनलाइन के अंदर, इनामुल हक साहब इनका नाम है, और ये एक उस्ताद भी हैं, एक प्यारे दोस्त भी हैं, एक प्यारे भाई भी हैं, और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इसके अलावा अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये एक कंपनी जो है टेक मेंशंस के नाम से, उसको एज ए सीईओ ये हेड भी कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एग्जेक्टिव, और इसके अलावा एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, सीईओ और फाउंडर ये एपिक ग्रुप और ई कॉमर्स सॉल्यूशन और एसएमईज जो है एसएमईज जितने भी इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट हैं उसको ये हेड कर रहे हैं, और इसके अलावा काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इनके पास पाइपलाइन में हैं, जो जिसको ऑलरेडी ये बहुत अरसे से उसको भी हेड कर रहे हैं, और आगे भी ये नए से नए वेंचर्स की तरफ जा रहे हैं। मैं खुश आमदीद कहूंगा मिस्टर इनाम साहब को। इनाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपकी फरहिस्त तो बहुत ज्यादा थी, मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके और जल्दी जल्दी करने की कोशिश की। मैंने कहा कि कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ दूंगी, वो लिस्ट में से कुछ चीजें आपने भी बतानी है अभी चलने जी, तो। लिस्ट आपने लंबी चौड़ी प्रिपेयर की थी, थैंक यू सो मच। और आपने आपका वेलकम एवरीवन, जो लोग भी फेसबुक पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और थैंक यू वहाब आपका भी कि आपने इस तरह का सेशन अरेंज किया कि लोगों को फ़ायदा हो सके, और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन के अंदर लोग कुछ अपना उनको कोई ऐसी होप मिल सके कि यार कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल और ऐसे हमारी ट्राई यही है कि यार हम लोग जितना भी गाइड कर सकते हैं, जितना भी बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में, हम इसको डिस्कस करें आज के इस सेशन में। इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा अपने बारे में, मैंने तो वैसे कोशिश की एक छोटी सी, लेकिन अगर आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन यही है जो आपने बता दी है चीज़ें, कि एक टेक मेंशंस के नाम से एजेंसी है जिसको मैं चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ उसको, और एपिक वो जो है वो एक ई कॉमर्स का सोल्यूशन है, ठीक है, epicwoo.com के नाम से। उसमें हम लोग जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको रेडी टू डिप्लॉय सोल्यूशन देते हैं, कि वो अगर आज ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहें, वो अपनी इन्वेंट्री ऐड करें तो कल से वो सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सोल्यूशन चल रहे हैं। इसके अलावा जो है मैं डिफरेंट जगहों पर ट्रेनिंग सेशंस करवाता हूँ, ई रोज़गार के साथ मेरी एफिलिएशन है फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, के जो लोग हैं वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह इन चीज़ों की डिजिटल मार्केटिंग सारी करते हैं। सही, तो बाकी जो है मेरी ट्राई होती है कि जितने भी लोग हैं उनको एम्पावर किया जा सके अपनी सराउंडिंग में, क्योंकि मैं और वहाँ क्या हम जैसे जो लोग पुराने जिन्होंने स्टार्ट किया था, तब शायद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी या इतना नॉलेज अवेलेबल नहीं था कि आप लोग किसी डायरेक्शन को चूज़ कर सकते, उस वक्त काफ़ी मुश्किल थी। आज के दौर में हमारे पास डायरेक्शन भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने वाले भी बहुत लोग हैं जो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक जो है उसके ऊपर आपने गाइड किया हमें। अच्छा व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था अपना टॉपिक, कि हम आप लोगों को आज ये बताएंगे कि आपने बेसिकली जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स होती हैं जिसको ई कॉमर्स साइट्स कहते हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने कैसे पैसा कमाना है, और हम इनाम साहब से ये पूछेंगे, उनके एक्सपीरियंस से ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन साइट्स के थ्रू आप कम से कम बजट के अंदर कैसे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल आप, इनाम साहब मैं आपको चीज बताऊं, छोटे से छोटा बिजनेसमैन ले ले, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ले ले,
इस वक्त ठीक हर है बंदा परेशान है, ठीक है। जो जी पहले 10 लाख का बिजनेस भी कर रहा था वो भी इस वक्त परेशान है, जो पहले 1 करोड़ का बिजनेस भी कर रहा था वो भी परेशान है, और बहुत से ऐसी कंपनीज और बहुत से ऐसे लोग जो कि अब जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है ई कॉमर्स का, जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ऑनलाइन भी आप बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं और अपनी वर्चुअल दुकान से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वैसे हमारे इस सेशन के थ्रू आज उन लोगों के लिए हम एक सदका जारी ही कम से कम शुरू कर दें कि हमारी वजह से, अगर हमारी इस काविश की वजह से किसी का जो है भाई का, हमारे बिजनेस जो है, जो जिसकी शालमी में दुकान है, जिसकी किसी अच्छे लेवल पे वो काम कर रहा है और वो अगर कॉमर्स की तरफ आ जाए और वो अपने काम को शुरू कर दे, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ही अगर इस फील्ड में आ जाए तो वो उसकी तरफ चलते जाए। लेकिन इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं कुछ स्टैट्स आप लोगों के साथ व्यूअर्स शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक 80% से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है ना, वो ऑनलाइन इंटरनेट को उनके साथ फेमिलियर है। और अगर हम उसको अगर इंडस्ट्री वाइज देखे जाए तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन इस वक्त 4.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट बन चुकी हुई है, जो कि 2021 तक जो है ये मार्केट को 4.5 तक चली जाएगी, इस वक्त करंट जो मार्केट के अगर सिनेरियो को देखा जाए। और अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है जो कि ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। थर्ड नंबर पे एज ए फ्रीलांसर तो हम भी पहुंच चुके हुए हैं, लेकिन अब ई कॉमर्स अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हम 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, और इस वक्त हमारी $10 बिलियन की ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट बन चुकी हुई है। ये तो कुछ एक स्टैट से जो कि आप लोगों के साथ मैंने शुरू करना था, जो कि आपको मैंने बताना था, और आप लोगों को इसके ऊपर गाइडलाइन देनी थी कि हमारा इस वक्त क्या स्कोप चल रहा है और दुनिया का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्या स्कोप चल रहा है। अच्छा, मेरा इनाम भाई आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि ई कॉमर्स होता क्या है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यूजर्स को पता चल सके कि ये इंडस्ट्री क्या है और उसके बेनिफिट क्या है। तो हमने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लेना है, तो आप मुझे अच्छा सबसे पहले ये हमारे बिल्कुल व्यूअर्स को बताएं बिल्कुल कि स्टार्ट से ई-कॉमर्स इसको। हाँ वहाँ मसला यही है कि अभी तक लोगों को शायद इसकी क्लैरिटी नहीं है कि ई कॉमर्स के बिल्कुल लिए शायद बहुत बड़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी एजेंसी चाहिए जो एक स्टोर बना के दे और फिर आप किसी सेलिंग की तरफ जा सकें और फिर आप सोच सकेंगे शायद मैं सब्जी या मैं कोई किराने का सामान या मैं कोई ज्वेलरी या खिलौने बच्चों के ऑनलाइन बेच सकता हूँ। उसमें बिल्कुल ऐसा कन्फ्यूजन ये है कि लोग इसको समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसके पीछे है, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी बनती है लाइक दराज या जो भी टेक्नोलॉजी है। वैसी पहली चीज़ तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वेरी इजी टू अडॉप्ट है और आप लोग बड़ा इजीली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्री टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वो हम लोग आज लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनको हम आपके साथ शेयर भी करें कि आप किस तरह से फ्री में प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जाहिर है एक नॉमिनल सी फीस होती है वो 3-4 हज़ार रुपये साल के, जो कि कुछ भी नहीं है एक बिज़नेस के लिए, कि आप इस तरह की कोई डोमेन होस्टिंग खरीद के एक सर्वर सेटअप करके एक छोटा सा स्टोर लाइव पहले कर लें। तो सबसे पहले बताएं ई कॉमर्स है क्या? मैं ई कॉमर्स पे भी आ रहा हूँ। ई कॉमर्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है कि आप ऑनलाइन फिजिकल गुड्स को बेचते हैं, ज्यादातर फिजिकल गुड्स इसमें आती हैं, डिजिटल भी इसके अंदर आती हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग है, लेकिन ई कॉमर्स में ज्यादातर जो है वो फिजिकल गुड्स होती हैं जिसके लिए शिपमेंट की जरूरत होती है। शिपमेंट के लिए हमारे पास ढेरों कोरियर कंपनीज हैं जिसमें TCS है, बहुत सारी लेपर्ड्स है, बहुत सारी कंपनी है, पाकिस्तान पोस्ट है, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर कोने के अंदर वो डिलीवर करती हैं। तो कॉमर्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, जिसमें इंटरनेट है, तो आप उसके ज़रिए से अपनी चीज़ें बेचते हैं ऑनलाइन, और उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक वेबसाइट चाहिए होती है। जैसे दराज डॉट पी के एक एग्जाम्पल है, आप उतना हाई फाई स्टोर ना बनाएं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर प्रोडक्ट पड़ी है, आपको हेडफोन चाहिए, आपने वहाँ से जाके हेडफोन बाय किया, वो हेडफोन आपके घर में शिप हो गया। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि एक टेक्नोलॉजी होती है, एक स्टॉक होता है जो आपने रखना होता है, एक आपके पास फिर ऑर्डर आता है, और फिर तीसरी पार्टी होती है जो कोरियर कंपनी होती है जो आपके लिए वो ड्रॉप करती है वहाँ पे, और वही कंपनी पाकिस्तान के अंदर आपके लिए कैश भी कलेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम। तो पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स के अंदर पेमेंट गेटवे चलता है फॉर नाउ वो COD सिस्टम है, जिसे हम COD ई कॉमर्स की जुबान में टेक्निकल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम। तो जब कैश ऑन डिलीवरी, जैसा उसका नाम है कि डिलीवरी के टाइम कैश मिलता है, कि जब जाके वो बंदा डिलीवर करता है किसी के डोर स्टेप के ऊपर, तो वो बंदा उसके पैसे उसको दे देता है,
उसमें डिलीवरी वाले के चार्जेस भी होते हैं और आपके प्रोडक्ट के चार्जेस भी होते हैं। वो प्रोडक्ट के पैसे आपको मंथली या वीकली या बाई वीकली आपकी सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी आपको पे कर देती है। TCS आपके लिए पैसे इकट्ठे कर रही है या आपके लिए पाकिस्तान पोस्ट पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो आपको उस हिसाब से आपका बिल पे कर देता है। ये तो उसका एक फ्लो है पाकिस्तान के हिसाब से। इंटरनेशनली जाहिर है फ्लो थोड़ा डिफरेंट है कि उसके अंदर प्लेयर्स और हैं, उसमें पेमेंट गेटवेज हैं, क्रेडिट कार्ड से लोग खरीदते हैं, डेबिट कार्ड से खरीदते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम लोग चीज़ रिसीव पार्सल अपने हाथ में पकड़ के फिर उसको पैसे देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे दुबई में सोक था, आपने देखा होगा सोक, जैसे उसके बाद अमेजोन ने उसको एक्वायर कर लिया, तो सोक जो था वो उसका मेजर मॉडल जो था वो कैश ऑन डिलीवरी था, क्योंकि अरब भी उस वक्त ज़्यादा पैसे ऑनलाइन नहीं लगाते थे। उसके बाद उनका ट्रेंड जो है वो डिजिटल की तरफ गया और वो डेबिट क्रेडिट कार्ड से बाय करना शुरू हुए, और अमेजोन को उस मार्केट में पोटेंशियल नज़र आया तो उसने उसको एक्वायर कर लिया और वो अमेजोन AE के नाम से ये अरब में बना दिया। तो इसी तरह से पाकिस्तान में अब दराज एक्वायर हुआ है, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि अलीबाबा कोई ऐसा पेमेंट गेट पे अली पे या ऐसा कुछ ले आए कि वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमारे अच्छा हिसाब इसमें से नाम जुड़े। भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम छोटे छोटे चंक्स में चलें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे साथ जो चल रहे हैं उनको सही नॉलेज उनको है। आस्ता आस्ता बिल्डअप होना शुरू हो। उसमें ये है कि ये तो आपने बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है और वर्ल्ड वाइड कैसे काम कर रही है, लोकली कैसे काम कर रही है। बिल्कुल, अच्छा, कैसे कर अगर रही है? हमारा कोई ऐसा पर्सन बिजनेसमैन या कोई हमारा न्यू एंटरप्रेन्योर वो ई कॉमर्स में आना चाहता है, अब उसके क्या स्टेप्स हैं? जैसे कि वो आपने डोमेन वाली बात की थी, मैं चाह रहा हूँ कि वहां से आपको पूरा एक बिजनेस मैं मॉडल बिल्कुल उसका बताता हूँ। अगर कोई बंदा इसमें आना चाह रहा है तो उसको एक अदद वेबसाइट बनानी होगी, और उसके लिए उसको एक डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। डोमेन क्या है कि वो नाम है आपके स्टोर का, कहाँ से चल रही है? जो नाम है, मैं बताता हूँ, आपके स्टोर का जो नाम होगा वो आपकी डोमेन होगी। ठीक है, लाइक आपका wahabonline.com है, उसके ऊपर वहाब साहब अपनी टी शर्ट्स, अपनी फिटनेस की प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, ठीक या है, वो अपनी जो बाइकिंग की आइटम्स बेचते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो जो wahabonline.com है वो आपकी डोमेन है, वो आपने ठीक अपने है, नाम की खरीदनी है, आपने अपने ब्रांड के नाम की खरीदनी है, आपने अपनी फैमिली के नाम की खरीदनी है, मिर्ज़ा मर्चेंडाइजर्स डॉट कॉम, आपकी मर्जी आप किस पे जाते हैं। वो ठीक आप है, किसी भी कंपनी से खरीद सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कंपनीज अवेलेबल हैं, Namecheap.com है, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, Resell.net पाकिस्तान में है, HostingWire.com एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में आपको वो वो नाम बहुत खरीद रेपुटेड देती हैं। वाले हैं, इंटरनेशनली बहुत गोडैडी सारे वाले हैं, हैं, आप भी जानते हैं, गोडैडी गोडैडी है, इंटरनेशनल भी हैं, लोकल भी हैं। लोकल भी। मैं शुरू में ज़्यादातर पाकिस्तानियों को लोकल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हम लोग नए होते हैं, हमने नया स्टोर चलाना होता है, हम कोई ना कोई गड़बड़ कर लेते हैं और स्टोर बंद हो जाता है। गो डैडी वाला कहेगा ईमेल ड्रॉप कर दें, 24 घंटे बाद वो हम हमें आपको समझ नहीं बताएंगे क्या आएगा। मसला है। लोकल का व्हाट्सएप नंबर है, उसे फ़ौरन कॉल करें कि यार भाई ये मसला हो गया, वो फ़ौरन आपका स्टोर लाइव कर देगा, आपका मसला हल कर देगा। मैं तो इन रेकमेंड स्टार्ट करूंगा, आपको, यस आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप अगर नई नया स्टोर बनाते हैं, गो विद द लोकल सेलर्स, लाहौर में कोई बैठा है, सियालकोट में बैठा है, जहाँ भी है, तो उससे डोमेन होस्टिंग खरीदें। ठीक है। अच्छा, ठीक ये है, कितनी वो आपको मेन होस्टिंग की कितनी कॉस्ट एवरेज पड़ जाएगी हमें? यार स्टार्टिंग फ्रॉम 2,000 से 3,000, 4,000 पर ईयर होता है, तो बहुत पर कम ईयर? नॉमिनल। मैं वही अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो डोमेन और होस्टिंग सबसे पहले लेते हैं तो मेरे ख्याल से उनका सबसे पहला जो खर्चा है वो 2,000 से 4,000 के दरमियान आएगा। हाँ, असल में डिपेंड करता है ना, अगर तो आप वहाँ wahabonline.com पे जाते हैं फिर हो सकता है 2,500 में हो जाएगा, अगर वो वहाँ online.pk पे जाएंगे तो .pk आपको पता है वो 2,600-2,200 की डोमेन, दो साल की वो जो दो होती है साल की होती क्या? है, तो वो इसलिए कॉस्ट थोड़ी सी हाँ, ज़्यादा हो वो जाती ठीक है, वो 4,000 के दरमियान में आपकी डोमेन और होस्टिंग आ है। गई। अच्छा, इनाम सब, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, 4,000 रुपये में आप टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं जिसके ऊपर ई कॉमर्स स्टोर चलेगा, ये बिल्कुल तो ऐसे बात ठीक क्लियर है। अब है, ठीक दूसरी चीज़ आ गई कि आपने उसको मार्केट करना है, है। मार्केट करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है दैट इज़ फेसबुक एड्स, फेसबुक नहीं, एड्स उससे एंड पहले, इंस्टाग्राम एड्स। उससे पहले भी एक चीज है, उससे पहले वाला स्टेप जो है कि उसकी और वेबसाइट क्या? बनेगा। हाँ, तो वो वाला स्टेप भी क्या वर्डप्रेस पे लेके जाना चाहिए उसको, किसी लैंग्वेज PHP? मैं थोड़ा सा ना, अभी हम इसको डिस्कस कर ले, मैं थोड़ा सा फ्लो स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा कि आपने क्या क्या डिप्लॉय करना है, कौन कौन ठीक सी है, ठीक प्लगइन आपको चाहिए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, वो हम लोग उसको इन फ्लो देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें चले, हैं। ठीक है, ठीक है, चले, ठीक अभी अभी क्योंकि व्यूअर्स हैं, इनको शायद कुछ लोगों को तो आइडिया होगा, हम लोग डोमेन होस्टिंग जब बाय करते हैं, आप अगर लोकल बंदे से खरीदेंगे, आप उसे कहें कि यार इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके ये मेरा ईमेल है, मुझे लॉगिन दे दो,
आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस के ऊपर आपने एक फ्री प्लगइन इंस्टॉल करना है, द नेम इज वू कॉमर्स। वू कॉमर्स कॉमर्स, एक फ्री प्लगइन है, वू ठीक कॉमर्स है, आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपकी शॉप लाइव हो जाएगी, ठीक एक्सीलेंट, है। नेक्स्ट आपने बस उसके अंदर जाके प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, वन बाय वन आप प्रोडक्ट ऐड करते जाएं तो आपकी साइट का स्टोर लाइव हो जाएगा और वो आपकी साइट एक गुड लुकिंग स्टोर की सूरत में आपके सामने होगी। मैं अभी स्क्रीन ठीक शेयर करके आपको प्लगइन्स और ये चीज़ें बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा किस तरह से होती हैं, है, ठीक है। एक्सीलेंट, अभी ये एक फ्लो हो गया। सेकंड फ्लो ये है कि जब आपका स्टोर हो जाता है, अप हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट्स लग जाती हैं, इसके बाद आपने उनको मार्केट करना है कि आप लोगों को दिखाएं, बिल्कुल लोगों को दिखाएं कि यार बिल्कुल, वो खरीदें कैसे। शॉपिंग दो तरह से होती है ना, या तो वहाँ भी होता है कि आप ऐसी आइटम बेचें कि लोग खुद आपके पास आएं, बिल्कुल ऐसे ही, नीड बेस्ड आइटम बिल्कुल हो। नीड बेस्ड आइटम के अंदर ऐसे आपकी डेली लाइफ की चीज़ें आ जाती हैं, आपकी कॉफ़ी आइटम्स आ गई, आपकी खाने पीने की चीज़ें आ गई, आपकी ये चीज़ें आ गई, तो वो नीड बेस्ड आइटम है। उसके लिए तो लोग ठीक खुद स्टोर ढूंढते हैं और जाते हैं। एक है, आती है लग्जरी आइटम, आप एक कफ लिंक्स बेचना चाहते हैं जो कि बड़े एक्सपीरियंस बड़े प्रीमियम क्वालिटी के हैं, आप एक घड़ी बेचना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है, वो उसकी लग्जरी है, ठीक है। फिर आपने उस बंदे तक पहुंचना होता है, तो आप कोशिश करें कि शुरू में आप ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करें जिसकी जो लोगों को ज़रूरत हो, ठीक है, बजाय इसके कि आप लग्जरी आइटम में जाएं। लग्जरी आइटम के लिए हो सकता है आजकल के पेंडेमिक सिचुएशन में लोग लग्जरी आइटम ना खरीदते हो, ना ले, बिल्कुल ऐसे ही, देखो लोग नहीं खरीदेंगे। मेरे जा आप जैसा जो भी समझदार बंदा है वो आजकल पैसे जोड़ रहा है, तो वो जरूर हमें है, जो ज़रूरत की आइटम है वो दें, ठीक है, ठीक है। आप वो वो क्या दें हो और सकता वो है, आप थोड़ा करो लगे। सा अगर आप जरूरत की आइटम्स को यार भी आप थोड़ा अगर एक्सप्लेन थोड़ा करें। सा अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो ग्रॉसरी के कितने बिजनेसेस पिछले महीने में शुरू हुए हैं, आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे स्टोर इवन इन लाहौर में ही नज़र आएंगे जो ग्रॉसरी आइटम्स घरों में पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जो सब्जियां दे रहे हैं, दालें दे रहे हैं, करियाने की आइटम दे रहे हैं, फ्रूट फ्रूट का काम बड़ा फैल रहा है, मतलब कि उसकी बहुत खूब फैल बेसिक रहा इंडस्ट्री है। ना इसके अलावा एक और बेसिक काम सब्जी। भाई इन बड़ा फैल रहा है, ये जो डिलीवरी वाले लोकल इंडस्ट्री में डिलीवरी वाले बड़े निकल आए हैं। ठीक ये है, वो भी भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, डिलीवरी सिस्टम है। और अभी देखें, मैं पिछले दिनों बैठा हुआ था, मेरा एक फ्रेंड आया, वो गुलशा के नाम से फैब्रिक्स है उनका, तो मुझे कहते हैं कि मुझे ऐड चला दें, पाशा फैब्रिक्स वाला ना ऑनलाइन बेचता है हमारा सूट भी, उसी हमारे पास भी इजिप्शियन कॉटन भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैंने उसकी ऐड चला के, तो उनको बड़ी अच्छी क्यूरीज आ रही हैं। तो मसला ये है कि या तो आप ऐसी आइटम देखें कि लोगों ने ईद पे कपड़े पहनने हैं, कोई ज़रूरत उनकी क्या है, कौन सी चीज़ इस वक्त बिकेगी, आप उस तरह की चीज़ें छोटी छोटी बेच सकते हैं। और इसके लिए आप स्टोर बनाएं, वो स्टोर बना के उसके ऊपर प्रोडक्ट्स रखें, फिर आपने बेचने किनको है वो आपने देखना है। फॉर एग्जांपल घरों में बच्चे हैं, अब बच्चे के डायपर्स ख़त्म होते हैं, ठीक है, अब बच्चे के डायपर लेने के अब बंदा खुद जाएगा, वो तो अपने आप को भी रिस्क में डालेगा ना जाके मेडिकल स्टोर से डायपर खरीदने का। अगर आप उसको घर में डिलीवर कर देंगे, डायपर्स ऑनलाइन बेच देते हैं आप, तो 100 रुपया ज़्यादा भी रखेंगे तो वो खरीद लेगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही, तो इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। सब्जियां दालें तो अलग चीज़ हैं, जो नीड बेस्ड आइटम है जिसमें बच्चों की आइटम्स खास तौर पे हम और आप पाकिस्तानी कल्चर में, शायद वेस्टर्न कल्चर में भी, हम लोग अपनी नीड तो शायद छोड़ देते हैं, बच्चे की नीड नहीं छोड़ते, बच्चे की नीड को आप हम पूरा कोशिश करते हैं कि यार इसकी चीज़ें पूरी हो, इसका सेरेलैक पूरा हो, इसका नीडो पूरा हो, इसके डायपर्स पूरे हो, तो कोशिश करें कि वो कितनी इन्वेंट्री है जो बच्चों को चाहिए वो इन्वेंट्री लाइव करें। आप अपने गली मोहल्ले में ही बता देंगे ना ये स्टोर है हमारा और हम ये डायपर्स और ये चीज़ें देते हैं, तो आपको वहीं से ऑर्डर्स आ जाएंगे, आप ट्राई वही करके सही, देखेंगे अगर, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी हमारे पास एक एक सेक्शन एक ऐसा बिल्कुल है जिससे हम लोग सेल जनरेट कर सकते हैं। ऐसे अच्छा, ही, अब ये लोग हम लोग ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, इनको ऑनलाइन ढूंढने का कोई मसला नहीं है। फेसबुक जो मैं और आप जो यूज़ करते हैं फेसबुक, वो फेसबुक का एक बड़ा खूबसूरत फ्रंट एंड है जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, क्वारंटाइन में ये है वो है। एक फेसबुक का बैक एंड भी है जहाँ पर वो सबका डाटा एडवर्टाइजर्स को बेचता है, ठीक है, बेचते वो बैक एंड हम लोग कोई भी एक्सेस कर सकता है, दैट इज ऑल्सो फ्री फॉर पब्लिक, वो किसी के लिए हैं। लिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड लोग ही इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो वहाँ से जाके आपको कोई ऐसी चीज़ें दिखा सकूँ कि आप किसको क्या बेच सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कि आप बेच सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। फिर हम लोग थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी हमने अभी डिस्कस की है कि वर्डप्रेस के ऊपर जाके आप ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, वो किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक ठीक है, है, दोनों बिल्कुल चीज़ें वहाँ पर, हाँ मैं उसकी स्क्रीन शेयर करके आपके साथ वो थोड़ा सा करता हूँ।
कोई और चीज डिस्कस करनी है मीनवाइल तो हम वो भी कर लेते हैं ताकि बाद में उस पर चले नहीं, जाए। वो साथ साथ ही करते रहेंगे, साथ साथ ही करते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इसमें अपनी। जी वहाब आ गए स्क्रीन यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल आ गए। अच्छा जी, अच्छा आपने करना क्या है कि आपने गूगल में जाना है और गूगल में जाके आप यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स। ठीक है, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स बेसिकली जैसा उसका नाम है कि ये ऑडियंस की इनसाइट्स हैं कि जो ऑडियंस फेसबुक के ऊपर मौजूद है वो क्या करती है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किधर जाते हैं, कौन लोग हैं वो। सही है, तो आप अगर पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपने इस पे क्लिक करना है, ये आपको आर्टिकल मिलेगा जिसमें फेसबुक बताता है थोड़ा सा कि हम इसके ऊपर क्या क्या देते हैं। फेसबुक कहते हैं हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन लोग हैं, उनकी एज क्या है, मेल है, फीमेल है, कौन सी ऑडियंस है। ठीक है, हम लोग इस पे देखेंगे, फेसबुक बताता है उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, जो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम उनको ऐड दिखा सकेंगे ना उसके मुताबिक। डेमोग्राफिक्स में क्या क्या दिखाता है, एज क्या है, जेंडर क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है उसका, जैसे वहाँ भाई हर वक्त हैवी बाइक्स पे होते हैं तो हमें पता चल सकता है कि लाहौर में कौन कौन हैवी बाइकर है। ठीक है, तो फेसबुक के पास वो डाटा है क्योंकि ये फेसबुक के ऊपर चेक इन्स लगा रहे हैं, अपनी बाइक के साथ तस्वीरें लगा रहे हैं, वो सारा हमें लाइफ स्टाइल में मिल जाता है। एजुकेशन क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, जॉब रोल क्या है, कितने लोग लाहौर में मैनेजर हैं, वो सारी चीज़ें आपको डेमोग्राफिक्स के अंदर मिलती हैं। इसके बाद आपको पेज लाइक्स मिलते हैं कि कौन से पेज ज़्यादा लाइक है, कौन सा कम लाइक हो रहा है, वो भी हम आ जाएगा। लोकेशन है, लैंग्वेज फेसबुक शेयर करता है। उसके बाद फेसबुक की यूजेज के कौन कितनी दफ़ा लॉग इन लॉग आउट होता है, एक्टिविटी परचेज एक्टिविटी, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, ये US के लिए डाटा अवेलेबल होता है कि कौन क्या खरीदता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये हम एक्सेस कहाँ पे कर सकते हैं, इसके एंड पे एक लिंक है। ठीक है, जब ये आप इस आर्टिकल पे होंगे, एट द एंड ऑफ दिस आर्टिकल आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस टूल के अंदर ले जाएगा जहाँ पर फेसबुक का बैक एंड डाटा मौजूद है। ठीक है, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो नाउ हमें फेसबुक यहाँ पे दिखा रहा है, लेट इट लोड। इसके इसके ऊपर फेसबुक अब हमें दिखाएगा कि इसके पास कौन सी ऑडियंस है। फेसबुक कहता है चूज एन ऑडियंस टू स्टार्ट, के ऑडियंस चूज करें जिसके साथ आप शुरू करना चाहते हैं। दो ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ आपने एक पेज बनाया हुआ है और उस पेज के ऊपर इसके पास 1.5 लाख लोग हैं जिन्होंने पेज लाइक किया हुआ है। अगर तो वहाँ आप सिर्फ ये देखना चाहता है कि जो उसके पेज के ऊपर 1.5 लाख लोग हैं वो कौन लोग हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ पे चेक इन मारते हैं, उनकी एज क्या है, उनमें मैरिड कितने हैं। ठीक है, अगर तो सिर्फ अपने किसी पेज का देखना है तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने एवरीवन ऑन फेसबुक देखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास तो पेजेस नहीं है, हम लोग एवरीवन ऑन फेसबुक पे जाएंगे या हमें पूरी फेसबुक का डाटा चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से मैं कंट्री ख़त्म कर देता हूँ। लें जी, इस वक्त फेसबुक के पास मोर देन 1 बिलियन पीपल हैं, 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं जो कि मंथली एक्टिव होते हैं। ठीक है, फेसबुक यूज़ करते हैं और मंथली एक्टिव से मुराद ये है कि वो कम से कम एक दफ़ा फेसबुक आके लॉग इन करते हैं, कम से कम एक दफ़ा स्टेटस लगाते हैं महीने में, कम से कम एक दफ़ा कोई पोस्ट लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। सही है, तो हम यहाँ पर कंट्री के अंदर लिख देंगे पाकिस्तान, तो लेट्स सी पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो कि फेसबुक यूज़ करते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर 30 मिलियन से लेके 35 मिलियन की ऑडियंस है जो कि फेसबुक यूज़ करती है। ठीक है, और उसमें से फेसबुक हमें बता रहा है कि 20% औरतें हैं और 80% मर्द हैं। ठीक है, ये भी हमें इनसाइड मिल गई। हम लोग यहाँ से आके एक डाटा देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ें बेचनी किसको हैं। ठीक है, ये ऑडियंस अगर हमारे पास आ गई, हमें पता चल गया कौन से शहर में कैसे लोग रहते हैं, फिर हम उस तरह की प्रोडक्ट वहाँ पे मार्केट कर सकते हैं। सही है, मैं जी यहाँ पे इसको पाकिस्तान को भी ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ लाहौर। लेट्स सी कि लाहौर के अंदर कौन है, लाहौर पाकिस्तान। अच्छा जी, लाहौर के अंदर ओनली इन लाहौर 6 मिलियन टू 7 मिलियन लोग हैं जो कि फेसबुक यूज़ करते हैं और एक्टिव लोग हैं जो, और 24% वुमेन है और 76% मेन है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मेंस की ऑडियंस लाहौर में ज़्यादा है। शायद हम कुछ और सोच रहे हों कि शायद लड़कियाँ ज़्यादा फेसबुक यूज़ करती हैं, लेकिन जो डाटा हमें फेसबुक प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे सामने ये स्टैट्स हैं कि इतने परसेंट वुमेन है, इतने परसेंट मेन है, और जो हाईली एंगेजिंग ऑडियंस है वो 18 साल से 34 साल तक है जो
जो फेसबुक यूज़ करती है, उसके बाद यूजेज बहुत कम हो जाती है। मतलब इस 7 मिलियन का 9% ऐसे लोग हैं जो 35 से 44 साल के हैं, ठीक है, और 7 मिलियन के 4% ऐसे लोग हैं जो 45 से 54 साल के हैं। तो बहुत कम नॉमिनल नंबर रह जाते हैं जो कि ज़्यादा एज के लोग हैं। तो फिर हम लोग इनको ऐड में टारगेट नहीं करते, क्योंकि ये हैं ही थोड़े से, हम जो मेन लोग हैं, मेन ऑडियंस है, उसको देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ से एक और फिल्टर है नीचे, अगर हम आते हैं एडवांस के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये जो 7 मिलियन लोग हैं, इनको कौन सी चीज़ लाहौर में पसंद है डिजिटली, ठीक है। ये इनको मॉडर्न रेस्टोरेंट पसंद है, ठीक है जी वहाब भाई, जी ये मॉडर्न रेस्टोरेंट इनको ये पसंद है जी, और रेस्टोरेंट इनको ये पसंद है ऑप्शंस। बर्गर इनको हाउडी का पसंद है पहले नंबर पे, हार्डीज का दूसरे नंबर पे। एक्सीलेंट हम लोग खुद एक्सीलेंट से जो भी सोचें, डिजिटल ट्रेंड ऑफ लाहौर सिटी ये है, ठीक है। लाहौर सिटी का फेसबुक के ऊपर जो डिजिटल ट्रेंड है, ज़्यादातर लोग फेसबुक पे हाउडी के बर्गर पे चेक इन मारते होंगे या हाउडी का बर्गर शेयर करते होंगे, इसलिए हाँ लाहौर के अंदर जो बर्गर टॉप पे है वो हाउडी का है, वो हाउडी ठीक क्या। है। तो अब हमें पता चल गया कि यार ये कौन से लोग हैं, इनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, ताकि हम उस तरह की प्रोडक्ट इनके लिए अरेंज कर सकें, ठीक है। ब्यूटी सैलून कौन सा इनको पसंद है फीमेल ऑडियंस को, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, ये पेज लाइक्स के हिसाब से सारा आपको पता चलता है कि कौन कौन से पेज ये लोग लाइक करते हैं। तो ये ऑडियंस आपको मिल गई, और वापस हम डेमोग्राफिक्स में आते हैं। अब हम नीचे जाते हैं एडवांस के फिल्टर पे, मैंने जो आपसे बात की थी पेरेंट्स वाली, हम इसमें पेरेंट्स में जाते हैं, और मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, 3 से 5, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे फेसबुक को बोला है कि मुझे लाहौर के अंदर ऐसी ऑडियंस दिखाओ जिसके 1 साल से लेके 5 साल तक का बच्चा है उनके घर में, ठीक है। अब ये देखें कितना प्रिसाइज डाटा है। फेसबुक मुझे कह रहा है कि लाहौर के अंदर 15 से 20 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनके घर में 1 साल से 5 साल का बच्चा मौजूद है, मतलब 1 साल से भी छोटा, 1 महीने से 5 साल। तो आप अगर बेबी आइटम्स बेच रहे हैं, बच्चों के खिलौने बेच रहे हैं, आप बेबी की फीडिंग आइटम्स बेच रहे हैं, आप बेबीज़ के एजुकेशनल टॉयज़ बेच रहे हैं, आप जैसे मैंने पहले डायपर्स और इनकी बात की, मिल्क की बात की, नीडो शीडो की, इन चीज़ों की, ठीक है, आप अगर ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप इस ऑडियंस को अगर टारगेट करेंगे तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप अपनी एड ही पेरेंट्स को दिखा रहे हैं, आप अपनी ऐड ही उसको दिखा रहे हैं जिसके घर में 1 से 5 साल का बच्चा है, तो वो तो आपकी चीज़ खरीदेगा, ठीक है। तो इस तरह से जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो वो आपके पास वो चीज़ है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ हमें क्लैरिटी मिलती है, 15 से 20 हज़ार लोग हैं, तो यहाँ से ये चेक करें, 18 से 24 वाली ऑडियंस आउट हो गई है, क्योंकि आउट हो गई है पाकिस्तान थोड़ा में 24 साल की उम्र तक बच्चा नहीं होता, बाप नहीं सा। बनता, उसके बाद जो है वो पेरेंटिंग शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो यही हमारा कल्चर है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादातर लोग 18 से 20 साल वाले माँ बाप होते तो शायद फेसबुक के पास भी ये डाटा मैच्योर होता। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये ट्रेंड जो है, ये वैसे ट्रेंड जो है, इनाम भाई ये भी बताते चले ऑडियंस को कि ये कंट्री टू कंट्री और सिटी टू सिटी भी वेरी करता है। हाँ, ये हम सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हैं, ये कंट्री वेरी टू कंट्री, सिटी टू सिटी वेरी करता है। करता है हाँ, हर हर कंट्री के अलग डेमोग्राफिक्स हैं। डेमोग्राफिक्स फेसबुक है। ने जैसे जैसे कि शुरू में कहा, मैं इसी को ही शेयर करता चलूं। एक एडिशन हाँ में एक स्टैट्स पढ़ रहा था, ये तो अभी आप मैरिड करेंगे ना तो ये स्टैट्स तकरीबन इधर ही रहेंगे इनाम भाई। अगर रहे, हाँ मैरिड भी बिल्कुल करेंगे ना तो ये स्टैट्स इधर ही रहेंगे, लेकिन ऐसे इस ही। लेवल तक एडवर्टाइजिंग होती है कि मैं पढ़ा था आइसलैंड के अंदर। आइसलैंड दुनिया का सबको जानते हैं कि मुल्क है, उसके अंदर सर मैं एक स्टैट पढ़ा था कि 70% जो बच्चे वहां पर पैदा होते हैं ना वो सिंगल मदर से होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैरिड को करके आप करेंगे तो वहां पर स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफी हमारी ऑडियंस को ये मालूम होना चाहिए कि हर वेरी टू वेरी स्टडी ये डिफरेंट होता वही तो बात है ना, अगर हम यूरोप जाते हैं तो यूरोप में जाके तो हम लोग मैरिट का फिल्टर लगा ही नहीं सकते ना, है, लगा ही नहीं सकते। यूरोप में जाके हम मैरिट का फिल्टर नहीं लगा सकते। यूरोप में तो फिल्टर होता ही नहीं मैरिट वाला, वहां तो पेरेंटिंग मैरिट से पहले शुरू हो जाती है। पहले शुरू बिल्कुल ऐसे हाँ, आप तो सही कह रहे हैं। वहां पर डेमोग्राफिक्स डिफरेंट है।
अच्छा, अभी हमने देखा था लाहौर में, पहले आ रहा था कि लाहौर की ऑडियंस को टॉप पे जो चीज पसंद है वो बर्गर्स और ये चीजें हैं। अब पेरेंट्स को कौन से पेजेस पसंद हैं वो देखते हैं। ठीक है, पेरेंट्स में सबसे पहले आ गया ब्यूटी स्टोन, जाहिर है माए हैं तो वो सबसे पहले वो आ गया। सेकंड हाईएस्ट ट्रेंड अब कौन सा आ गया, बेबी की चीजें। ठीक है, बेबी प्लेनेट वाला आ गया यहाँ पे, डॉट पीके वाला, फिर बेकरी आ जाती है, फिर ग्रॉसरी आ जाती है। तो ये मेच्योर लोगों की ऑडियंस आ गई। पहले सही लाहौर की ऑडियंस में बर्गर शर्गर आ रहे थे, चीजें आ रही थी, खाने पीने की चीजें आ रही थी। जब हमने लाहौर की ऑडियंस में वो लोग सेलेक्ट कर लिए जिनके बच्चे हैं 1 से 5 साल के, तो पेज लाइक्स ही सारे डिफरेंट हो गए। डिफरेंट हो ठीक गए। है, ये लोग ये चीजें पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें वो टोटल इंसाइट्स तो मिल जाती हैं कि ये अब मेच्योर ऑडियंस है, वो ऑडियंस है जो अपने लिए कोई चीज खरीद सकती है। बर्गर खाने वाला शायद 2,000 रुपये का टॉय ना खरीदता बच्चे का, लेकिन ये ऑडियंस अपने बच्चे के लिए एजुकेशनल टॉय खरीद सकती है जो गिनती सिखाता हो या ABC सिखाता हो। ठीक सही है, इनको हम लोग ई कॉमर्स में वो चीज़ बेच सकते हैं। तो ये एक बड़ा छोटा सा इंसाइट है जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। आप ये फिल्टर्स यूज़ करें और इन फिल्टर्स की मदद से आप जो है वो डिफरेंट आइटम जो है वो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पर आप आ जाते हैं लाइफ इवेंट्स में, अवे फ्रॉम फैमिली। ठीक है, तो लाहौर के अंदर ये देखें कितने लोग अभी एक्टिव हैं, 5 से 6 हज़ार ऐसे लोग हैं जो अवे फ्रॉम फैमिली हैं। ठीक है, 5 से 6 हज़ार ऐसे लोग हैं जो अवे फ्रॉम फैमिली हैं, तो इनको हम लोग क्या बेच सकते हैं। बल्कि इसमें फिल्टर भी ये लगा हुआ है, अभी ठहर तो ज़्यादा होने चाहिए, लाहौर में तो परदेसी बड़ा हाँ जी, हाँ जी, ये है। आपने वो फिल्टर दूसरे भी लगे हुए थे। 2 से 2.5 लाख बंदा जो है वो अवे फ्रॉम फैमिली और लाहौर में है। लाहौर में ठीक है, अभी आप क्या करते हैं कि जो अवे फ्रॉम फैमिली है उसको आप गिफ्ट आइटम बेच सकते हैं जो अपने घर में जाके लेके जा सकता है। लाहौर में तो जॉब कर रहा है, इन लोगों को आप गिफ्ट की आइटम दिखा सकते हैं कि बाय दिस फॉर योर ब्रदर, बाय दिस फॉर योर मदर। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप इनको बेच सकते हैं। सेकंड, आप इनके लिए कोई किचन शुरू करें, खाने पीने का शुरू करें, और इनको आप टिफ़िन बेच सकते हैं खाने के, जो आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ये लोग तो अवे फ्रॉम फैमिली है, मे बी हॉस्टलाइड हो, मे बी कहीं पे बिल्कुल जॉब कर रहा हो, उसकी फैमिली उसके अच्छे। साथ नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ई कॉमर्स के ज़रिए इनकी ज़रूरत की चीज़ें बेच सकते हैं। तो दे सकते हैं। इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस। आपने सोचना होता है आउटसाइड द बॉक्स कि आप इनको क्या बेच सकते हैं। ये सारा डाटा बिल्कुल मैंने आपको दिखा दिया है, ये डाटा आप यूज़ करें, इस डाटा को यूज़ करते हुए आप जो है वो सारा काम कर सकते हैं। अब आपने इसको ज़्यादा डिटेल में मेच्योर कैसे करना है, ज़ाहिर है सेशन में तो हम लोग इतनी डिटेल में हाँ और जी, नहीं जा बिल्कुल ऐसे सकेंगे। ही। मैं एक बंदा आपको रिकमेंड करूंगा सबको, द पर्सन नेम इज़ जॉन लूमर। जॉन लूमर को आप लोग देखें, उसके 50 फ्री वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे, टू दी पॉइंट बंदा बिल्कुल बात करता है, कोई इधर उधर की बात नहीं करता। आप उसकी 50 वीडियोज़ ऐसे देखेंगे ही। तो आपको पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी, हाउ टू रन द फेसबुक एड्स। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। मैं यहाँ पे उसका ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ। जॉन लूमर, आपने जॉन लूमर सर्च करना है, इसको ओपन करें, johnloomer.com। हाँ जी, एड्स के अंदर ये अच्छा बंदा जी, किंग है, बड़ी प्रीसाइज किंग बात है करता बस। है। बात हाँ जी, कोई इधर उधर की बात नहीं करता ना। नहीं अच्छा, करता। आप इसके फ्री वाले सेक्शन में जाएं, मेरे से क्लिक हो गया इधर, ठहरें। आप इसके फ्री वाले सेक्शन में जाएं और यहाँ पर हमारे पास होती है इसकी ट्रेनिंग 1-on-1 अबाउट, ये फ्री में वीडियो सीरीज ये जो है। ठीक है, आप इसकी ना वीडियो सीरीज वगैरह देख लें फ्री वाली। ये वो कह रहा है कि मुझे ईमेल वगैरह दें, मैं आपको हाँ 20 वीडियोस आपको भेजेगा जी, जी। यानी इसकी वो आप सब्सक्राइब कर लें तो इससे आपको जितनी भी अपडेट्स है ना एडवर्टाइजिंग की वो भी आती रहेंगी। बड़ा अच्छा ये बंदा वो आती काम कर रहती रहा है। हाँ, है। अच्छा, आप ये फ्री वीडियोस, इसकी 20 वीडियोस हैं, इसने बड़ी टू दी पॉइंट बनाई है, और पाँच पाँच दस दस मिनट की वीडियो है, 20 मिनट भी बहुत कम है, 5 से 10 मिनट में बात करता है, साइड पे हो जाता है। आप इसकी 20 वीडियोस देखें, यहाँ पे अपना नाम ईमेल देंगे तो आपको 20 वीडियोस की एक्सेस मिल जाएगी। वो देखेंगे तो आपको इसके बाद का जो स्टेप है ना, कि ऐड कैसे बनानी है और चलानी कैसे, वो सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, हम आज यहाँ पे ऐड बना के चला के वो सारी चीज़ नहीं देख सकते, तो वो आपको यहाँ से पूरी उसकी नॉलेज मिल जाएगी। ये शुरू के फिल्टर्स इसने नहीं दिखाए हुए कि आपने ऑडियंस कैसे निकाली है, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक नहीं, है, कि आपने एक्सीलेंट किया। ऑडियंस,
मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को कम से कम अपने डाटे को पकड़ना और उसके बाद उसको एनालिसिस करना वो आ गया होगा। अच्छा इनाम भाई, ये तो माशाल्लाह आपने बड़ा जबरदस्त जो है ना वो हमें एक डेमो दिया कि कैसे आपने वीडियो देखते हुए, सॉरी डाटे को देखते हुए आपने किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा मुझे ये ऐसे बता, अच्छा व्यूअर्स, हम क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोगों से लेंगे। आप लोग जितने भी आपके क्वेश्चन है जो अब इनाम साहब से करना चाहते हैं वो हमारे आप कमेंट बॉक्स में करते जाएं, मैं वन बाय वन थोड़ी देर तक सबके क्वेश्चन भी दूंगा। अच्छा मीनवाइल मेरा ठीक है। आपसे इनाम भाई एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी भी पर्सन को एक ई-कॉमर्स स्टोर को खड़ा करने के लिए। यार देखें, एक तो 4,000 रुपया मैंने आपको बता दिया टोटल, जो डोमेन होस्टिंग और सेटअप का जी है, बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब के ऊपर अनगिनत ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं कि आपने स्टोर कैसे बनाना है फ्री में। ठीक कोई भी है एक वीडियो देखे ना, तो आप एक रात में वीडियो सारी देख के सुबह स्टोर बना सकते हैं। आजकल ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक जबरदस्त। है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ्री प्लगइन्स हैं, फ्री है सारा कुछ। सिर्फ आपको डोमेन होस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कि फेसबुक पे कितने पैसे लगेंगे। फेसबुक के ऊपर आप 110 से 120 रुपए की एक दिन की ऐड चला सकते हैं। 120 ठीक रुपए, 110 रुपए कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल एक प्रोडक्ट, एक जैसे हमने टॉय की बात की, आप उसकी ऐड चलाएं और आप देखें बिकता कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अगर उस पर सेल आती है तो आप उसके थोड़े से पैसे बढ़ा दें, ठीक है। और अच्छे खासे लोग आपको 120 रुपए में मिल जाते हैं। और से थर्ड ये है कि लाहौर के अंदर मैं एक लड़के को जानता हूँ, जो कि अब तो चलो लॉकडाउन है, इससे पहले वो एम एम आलम रोड और इन जगहों पे जाता था, जो लेडीज़ की बड़ी अच्छी जेंट्री की शॉप्स हैं, और वहाँ से जाके अबायास देखता था, जो मॉडर्न अबायास हैं, अरेबिक और दूसरे। वो अबायास की उनके साथ डील करता था, वहाँ से उनकी पिक्स लेता था, आके अपने पेज पे लगा के उसकी ऐड चलाता था। जब कोई अबाया बिकता था तो उस शॉप से खरीद के उसको कुरियर करवा देता था, ठीक है। तो इस तरह से भी करते हैं लोग, कि आपके पास अपना स्टॉक ना भी हो तो आप उसको किसी से बात कर सकते हैं कि यार मैं आपका स्टॉक बेचूंगा। मैं मुझे याद है कि मैं अपने फैमिली के साथ एक दफा मार्केट में गया, तो वहाँ पे ज्वेलरी की शॉप थी, जो आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। तो मुझे एक जगह पे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे वेट करें, हम मार्केट से होके आते हैं, यहीं से आपको लेंगे। तो मैं वैसे ही खड़ा था, उसके पास फैन शैन चल रहा था, एसी लगा था, तो मैंने उससे बात की कि यार अगर तुम्हारा सामान डिजिटली बेचना हो तो तुम रेडी हो, मैं तुम्हारे लिए स्टोर बना सकता हूँ। ऐम ही मैंने बात की, टाइम तो है नहीं, आपको पता ही है। तो वो बंदा ना बड़ा इंटरेस्ट उसने शो किया, उसने कहा जी हाँ हाँ सर क्यों नहीं। मैंने उसको नंबर दिया, मैंने मेरे जहन में ये था कि अपने किसी स्टूडेंट को कनेक्ट करवा दूंगा, इसके साथ काम करेगा। वहां वो बंदा मुझे कॉल्स करता रहा कि सर आपने बताया नहीं। तो मुझे यहाँ से फील हुआ कि यार लोग स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, वो ऐसे बंदे ढूंढ रहे हैं जो स्टोर बना के उनका सामान बेच सके, ठीक बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। है। आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप बस थोड़े से अच्छे कपड़े पहन के अच्छी जुबान के साथ जाके किसी से बात करें, वो एग्री हो जाएगा, आपको अपने कपड़े देगा, आपको अपने टॉयज देगा, आपको अपनी ज्वेलरी देगा कि यार बेच के दिखा दो, अगर और बिकता है तो हम कमीशन इतने भी इतने अच्छा परसेंट देगा, पे आ जाएंगे। कमीशन भी अच्छा देगा क्योंकि आजकल कमीशन भी सबसे आपको बड़ी गेम मिलेगा। सेल की। इवन लोग आपको ऐड के पैसे भी देते हैं कि यार जो ऐड का खर्चा होगा वो भी हम देंगे, आप वो बेचो, भी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। अच्छा इनाम अभी भाई, देख, यहाँ पर ना, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी साथ साथ हम करते हैं, हमें है ना हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम वो क्वेश्चन भी लेना शुरू करें। अच्छा एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन आया, वो ये जानना चाह रहे हैं इनाम साहब आपसे कि आप उनको ये बता सकते हैं कि शॉपिफाई क्या है। अच्छा शॉपिफाई मैं आपको बता देता हूँ। इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैंडिडली स्पीकिंग, शॉपिफाई इज जस्ट अ फैंसी प्लेटफॉर्म। मेरी नज़र में उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वही काम आप वू कॉमर्स पे भी कर सकते हैं। शॉपिफाई बेसिकली यूएस या यूरोप की मार्केट को देख के बनाया गया था, जिन शॉप ओनर्स के पास ज़ीरो नॉलेज है सेलिंग का, ज़ीरो नॉलेज है उनके पास ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी लगाने का, शॉप बनाने का। शॉपिफाई क्या करता था, उनको एक पॉइंट ऑफ सेल जो POS हार्डवेयर है वो देता था, और साथ अपना एक POS डिजिटल देता था, और आपको ई कॉमर्स का पोर्टल देता था। कहता है आपको ना डोमेन लेने की जरूरत है, ना होस्टिंग की जरूरत है, ना आपको POS हार्डवेयर की जरूरत है, सारा हम देंगे, आप अपनी दुकान को डिजिटल कर लें, ठीक है। वो ठीक इस तरह होगी से मार्केट में आया। बेसिकली वो अभी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वो हम फ्री में बना सकते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है इन पाकिस्तान। जबरदस्त होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक क्विक क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं तो मैं आपसे क्विक लेता जाऊंगा, कोशिश करूंगा आप भी इसको जो ना क्विक बस एक दो लाइन में आंसर करें। अच्छा जी महक तजीन का क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछना चाह रही है कि उनका क्वेश्चन ये है कि
कि ऑडियंस जो एक एड लगाने से ऑडियंस एंगेज होती है क्या? क्योंकि मैंने एक बार किया था, बट जस्ट लाइक आए थे, बट कोई सेल नहीं हुई थी। अच्छा, दो इसमें आपके एड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एड ऑब्जेक्टिव में अगर तो आपने एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव रखा है तो फिर ऑडियंस एंगेज होगी। समटाइम्स हम करते क्या है वहाँ पे, हम एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। जब हम एड कॉपी बना रहे होते हैं ना, उसमें डिस्क्रिप्शन में हम स्टोर का लिंक लगा देते हैं, तो वो लिंक यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। लिंक यूनिट की रीच और एंगेजमेंट कम होती है। तो कोशिश करें कि जब आप एंगेजमेंट की एड चला रहे हैं तो आप लिंक वेबसाइट क्लिक का ऑब्जेक्टिव ना यूज करें। वो फेसबुक उसको वेबसाइट क्लिक ऑब्जेक्टिव में चेंज कर चुका होता है, आप अपनी बिल्कुल साइड से एंगेजमेंट का चला रहे होते हैं। तो जब आप लिंक क्लिक की एड चलाएं तो फिर WC एड चलाएं, जो वेबसाइट क्लिक एड्स होती हैं, वेबसाइट कन्वर्जन या वेबसाइट क्लिक्स। और अगर आप जो है एंगेजमेंट की एड चला रहे हैं तो मेक श्योर आप वीडियो या इमेज या इस तरह की कोई एड चला रहे हैं ताकि मतलब एंगेजमेंट ज़्यादा आए। आप रेकमेंड यही करेंगे कि इनको जो है ना कन्वर्जन ऐड चलाने चाहिए। अगर लिंक यूज़ कर रही हैं तो कन्वर्जन चलाएं, अगर लिंक नहीं है तो फिर एंगेजमेंट ऐड चलाएं, अगर वीडियो है तो आप जो है वो व्यूज़ की भी और चला सकते हैं। एंगेजमेंट में वीडियो चलाएं के इमेज वाला चलाएं? देखो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है, अगर एक आपके पास घड़ी है तो उसकी तो इमेज भी चल जाएगी, नहीं, ठीक है। फिर भी वो अगर हाई आप कंटेंट, हाई कंटेंट, हाई हाई, व्यू, तो जाहिर है वीडियो तो वीडियो फिर के ऊपर वीडियो आपको ज़्यादा चीप आता है। हाँ रेकमेंडेड वीडियो है। अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन है गुल नहीं, नमाज का। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ जो मेरा फ्लो है काम करने का, जी, कि मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट की वीडियो की एड चलाता हूँ, ठीक है, उसके ठीक ऊपर मैं पैसे थोड़े अच्छे इन्वेस्ट कर देता हूँ। उस वीडियो की एड के मैं 10 सेकंड व्यू की ऑडियंस बनाता हूँ, कि जिस जिस बंदे ने 10 सेकंड ये वीडियो देखी है उसकी मुझे फेसबुक ऑडियंस दे दे, उस ठीक है, ठीक ऑडियंस की मैं कन्वर्जन ऐड चलाता हूँ, है, तो उससे ठीक है। रिजल्ट क्योंकि आते वो लोग वही है ना जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, इसलिए उन्होंने इतनी सी हैं। वीडियो देखी है, फिर वो बाद में सेल्स अच्छी आ जाती है। अगर तो आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कर लें। जबरदस्त जबरदस्त आंसर। अच्छा, गुल नवाज का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक लैंग्वेज, रिलीजन, नेशन को टारगेट कर सकते हैं? उसका भी हाँ जी ऑप्शन बिल्कुल, होता है आप क्या? हाँ जी बिल्कुल, मौजूद इसका है ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल इसका ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है जी, अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा इनाम भाई, क्वेश्चंस अभी आते रहेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैं अब खुद आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि ये जो ई कॉमर्स के जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, B2B और B2C, इसमें क्या फर्क है? यार B2B जो है ना, वो तो जाहिर है, आप जब स्टॉक टू स्टॉक की बात हो रही है, बिजनेस टू बिजनेस, और जी बिजनेस टू बिजनेस में लाइक मेरे पास जो है वो साल्ट लैम्प पड़े हुए हैं जो मैं US में बेचता हूँ, मेरे जी पास साल्ट की बाथ किट पड़ी है, शायद आपको पता हो ये बहुत चलते हैं, कि हाँ जी, लोग बहुत बिल्कुल, साल्ट का एक सोप है अमेजोन पे उससे सबसे ज्यादा नहाते चलता है हैं, सॉल्ट है, साल्ट डैम चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, साल्ट लैम्प चलता है, साल्ट की बाथ किट चलती है। बिल्कुल अगर ऐसे। आपने वो किसी ऐसे बिजनेस को बेचनी है जो वही चीजें बेच रहा है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस डील होती है कि आप उसको होलसेल में सामान बेचते हैं। B2B में ज्यादातर होलसेल या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की बात हो रही है, MOQ जो है उसमें ज्यादा पीसेस का होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। B2C में बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर है, वहां पर आपका रिटेल बिजनेस मॉडल आ जाता है, जिसको हम सही, रिटेल कहते हैं, दुकानदारी जिसको कहते हैं, तो बिल्कुल वो फिर ऐसे ही। रिटेलिंग में आ जाती है। उसमें फिर आप बिजनेस टू कस्टमर है, बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर उसमें एड कॉपीज उस तरह की चलती हैं, एड ऐसी चलती है कि वो एक इंसान के छोटे जेन में आ सके, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस की एड जरा बड़े प्रोजेक्शन में चल रही होती है, उसमें स्पेक्ट्रम थोड़ा बड़ा होता है कि लोगों को कुछ और स्टॉक और ये चीजें दिखाई जाती हैं, सही हो गया। अच्छा ये थोड़ा इनाम फर्क भाई, है दोनों। ये तो हर चीज के तो दुनिया में बेनिफिट तो होते ही होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स, अगर मैं इंडस्ट्री बनाता हूँ या कोई इसके ऊपर काम करता है, कोई पर्सन इसके ऊपर आता है, तो इसके उसके डिसएडवांटेजेस तो उसको क्या फेस करने पड़ेंगे? मतलब प्रोज एंड कॉन्स में दो, अगर कॉन्स में जाए तो क्या होंगे? मैं आपको बताता हूँ, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन पाकिस्तान मे बी द चार्ज बैक और कैश बैक्स। कैश बैक तो नहीं, खैर चार्ज बैक कह सकते हो या ऑर्डर रिटर्न्स रेशो आप कह सकते हो, सही, क्योंकि हमारी जो कोरियर कंपनी का जो एंड पर्सन ना जो ऑर्डर डोर पे दे रहा है वो इतना लॉयल नहीं है, वो दरवाज़ा एक दफ़ा नॉक करता है बस, उसे 3 दफ़ा करना चाहिए शरीय तरीके के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से 3 के दफ़ा तो बेल दे ना यार, शायद ऑर्डर मिल जाए उसको, या अच्छा 2 दफ़ा सही, चक्कर लगा ले कम अज़ कम। वो एक चक्कर में देखता है जितने आपके पार्सल बिक गए बिक गए, बाकी रिटर्न। तो बहुत उसके ऊपर बढ़िया। TCS ने अच्छा काम किया है, अभी पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है कि रिटर्न रेशो कम रहे,
रिटर्न रेशियो एक तो ये है ना कि आपने जो चीज़ भेजी है वो नहीं थी और वापस आ गई है। यहाँ पर जो रिटर्न होती है ना बड़ी मज़ेदार होती है कि कोरियर वाला कहता है जी दरवाज़ा नहीं खुला, ठीक है। वो ये शायद हमारा कल्चर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से ई कॉमर्स बढ़ रहा है, जैसे आपने भी बात की कि 6th biggest जो है वो मार्केट प्लेस बन रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। TCS ने बहुत इम्प्रूव किया है और डिफरेंट और जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो प्राइवेट बेसिस पे आई हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। इससे अच्छा, मेरी नज़र में ये ड्रॉबैक है, बाकी इसके सारे फायदे ही हैं। डिसएडवांटेज मैं ये वैसे जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, ये डिसएडवांटेज तो नहीं इसको कहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा एक गैप है, जो कि अल्लाह करे कि अगर ये कोरोना की वजह से हमारे मुल्क में अगर ये मसला आया है बिजनेस को लेके, शायद इसे बेनिफिट भी आ जाए, गवर्नमेंट को कोई शर्म आ जाए कि वो पेमेंट गेटवेज के ऊपर कोई काम कर ले। हम तो पेपॉल तक तरस गए हैं, आप इसके बारे में क्या मतलब कहते हैं, क्योंकि अच्छा, एक पेमेंट मैं यार देखो, निजाम बना कस्टमर के लिए, मैं पेमेंट देखिए, निजाम आई एम नॉट हैविंग एनी फोकस ऑन अमेरिकन और यूएस पेमेंट गेटवेज। आई डोंट थिंक वी हैव अ सिस्टम टू इनवाइट देम, जो सीधी सी है। बात है। बी वेरी लॉयल टू द कंट्री वी आर लिविंग इन, कि हमारे पास शायद वैसा सिस्टम भी नहीं है कि हम उनको बुलाएं। शायद आपको पता हो, पेपाल के अंदर अगर जो है आपने $5,000 की एक गाड़ी खरीद ली ऑनलाइन पेपाल से पेमेंट करके, और वो गाड़ी घर में आई तो वो डैमेज थी और मसला था उसमें, तो आप पेपाल पे रिफंड कर देते हैं, तो पेपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि $5,000 आपको वापस ला के दे, ठीक है। पेपाल के पास US यूरोप में मनी कलेक्टर्स होते हैं जो लोगों की चीज़ें कब्जे में लेते हैं और आपके पैसे आपको रिटर्न करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मनी कलेक्टर कल्चर नहीं चल सकता ना, पाकिस्तान में वो चीज़ें अभी शायद मसला हो हमारे लिए। और मैं, मेरी नज़र चाइना की साइड पे ज़्यादा है, वहाँ मे बी अली पे और अली बाबा को ऐसा मर्चेंडाइज सोल्यूशन हमें दे दे जो कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो। आई एम नॉट सर लुकिंग एट पेपाल इंडिया, और इंडिया और बांग्लादेश में कैसे चल गया है, क्या हम क्या उनसे भी गए गुजरे हमारी आवाम? ये तो बड़ी फिर अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी अभी फिलहाल हमारे लिए अलार्मिंग है। मे बी HBL इज वर्किंग वेरी गुड, जो बैंक अच्छा काम कर रहे हैं। HBL ने मर्चेंडाइज सोल्यूशन बनाया है पाकिस्तान में और वो कुछ स्टोर्स पे लग भी गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता पर्सनल कैपेसिटी में बैंक्स आर वर्किंग। अब शायद आपको पता हो कि स्टेट बैंक ने कुछ लोगों को NOCs दिए हैं, लाइसेंस मिल गए हैं डिजिटल पेमेंट्स के, लोग काम कर रहे हैं। मोनिस रहमान भी उनमें से एक है, और भी कुछ लोग हैं जो कि पेमेंट गेटवेज पे काम कर रहे हैं, और मे बी आई होप फॉर द बेस्ट कि अगले 6 month में या शायद 1 साल में हमारे पास कुछ ऐसे 2-3-4 बड़े प्लेयर्स आ जाएं जो कि, क्योंकि स्टेट बैंक ने लाइसेंस तो दे दिए। सादा पे वाला आ गया, सादा पे भी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में कि वो मर्चेंडाइज सोल्यूशंस में आ जैस सके, कैश लेकिन भी बड़ी इनोवेशन मर्चेंडाइज लेकर आ रहा है, जैस कैश भी इनोवेशन लेकर आ रहा है काफी, पेमेंट गेटवेज पे जैस कैश भी काफी इनोवेशन लेकर आ रहा है आजकल। ऐसे ही है। जैज कैश कर रहे हैं, मोनेस के पास सिमसिम है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, हाँ जी, वो भी अच्छा है। और भी कई, यस, इजी पैसा वाले भी मर्चेंडाइज पे आ सकते हैं कुछ लोग, बल्कि उनका है भी सोल्यूशन मर्चेंडाइज। तो ये लोग जो है ना बड़ा अच्छा, या तो हम, मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई जैसे QR सिस्टम है, जो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जो है वो QR सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, हाँ ठीक है। जो अब पाकिस्तान के चलने अंदर अभी लगी है। QR, मोनिस रहमान ने बेचारे ने जगह जगह जाके रेस्टोरेंट्स पे भी QR को प्रमोट किया कि यार इस पे आ जाओ, इस पे आ बहुत जाओ, बड़ी बड़ी अच्छी ज्यादा चीज़ है, बहुत ज्यादा। ठीक है। कोशिश कर रहे हैं ना लोग, अल्लाह इनको और हिम्मत दे, ये जो हमारे IT के लोग हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो जाएं। यू आर राइट, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। बस आहिस्ता आहिस्ता ये चीज मेरे ख्याल से, और अब बड़ी तेजी से आएगी कोरोना की वजह से, अब तो ज्यादा तेजी से आएगी, क्योंकि अब लोगों को एहसास हो गया है कि यार ये ऑनलाइन के बगैर अब गुजारा नहीं है। तो इनाम भाई मेरे ख्याल से आगे चीजें पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा नेक्स्ट मेरी क्वेश्चन नज़र आप, में यह है कि डिजिटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो बड़ी स्लो होती है, खास तौर पे उस माशरे में जिसका लिटरेसी रेट कम हो, ठीक है। और हम लोग एज अ मजबूरी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, एज अ शौक या एज अ फैसिलिटी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा तो नाम जो, भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन भी साथ साथ लेता चलो। एक क्वेश्चन आया जी, इंटरनेशनल सेलिंग के लिए कौन सा ई कॉमर्स स्टोर ठीक है, अमेजोन या अलीबाबा? किसके लिए, सॉरी, इंटरनेशनल के लिए? इंटरनेशनल सेलिंग के लिए एक क्वेश्चन है, लाइव आया, कौन सा ई कॉमर्स स्टोर ठीक है, अमेजोन या अलीबाबा? देखें, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। अगर तो आपकी प्रोडक्ट बड़ी जनरल सी प्रोडक्ट है, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, उसमें कोई USP यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, आप बेडशीट बेच रहे हैं, आप साल्ट लैम्प बेच रहे हैं, आप रोजमर्रा की कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो देन अमेजोन इज़ अ गुड ऑप्शन,
ठीक है, गो टू अमेजोन, अमेजोन सेलर अकाउंट बनाएं, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करें, और उसके ऊपर आप जो है वो अपना एडॉप्ट अपनी स्टोर बना के लाइव कर दें। इफ़ यू हैव अ यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो देन यू शुड गो विद योर ओन स्टोर। ठीक है, आप अपना स्टोर बनाएं, आपके पास प्रोडक्ट कोई ऐसी है जिसमें कोई यूनिकनेस है और आपको लगता है कि आप उसको फेसबुक पे मार्केट करके यूएस में बेच सकते हैं, ठीक है, तो फिर तो आपको अपने स्टोर पे जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप अपनी कस्टम प्राइसिंग रख सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। अलीबाबा जो है वो एक डिफरेंट उसका सिनेरियो है, 3-4 हज़ार डॉलर का उसका अकाउंट है जिसके ऊपर आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने अभी अलीबाबा के ऊपर, क्योंकि उनकी फैमिली इंडस्ट्री थी, तो हमने उसके ऊपर सेटअप करवाया, तकरीबन 3500 या समथिंग डॉलर उसकी फीस है। वो फीस दे के तो उसके ऊपर जो है ना वो सारा जाहिर है वो कंटेनर जाते हैं, वो B2B पे, जैसे अभी आपने बात की थी कि उसमें B2B इन्वेंट्री ज़्यादा है अलीबाबा के ऊपर। तो आप बात करें B2C की, तो उसके लिए आपके पास वर्डप्रेस में चाहे बना लें, चाहे इंटरनेशनल की आप अगर इजी रहना चाहते हैं तो शॉपिफाई पे चले जाएं। पेमेंट गेटवे आपके लिए स्ट्राइप, स्ट्राइप एक बेस्ट पेमेंट गेटवे है। आप जब आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप स्ट्राइप के पेमेंट गेटवे से भी जा सकते हैं। सही, एक्सलेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकरा अयूब का। वो ये जानना चाहती हैं कि दराज पे सेलिंग के लिए जो पैकेज डायमेंशंस और पैकेज वेट है, इनका क्या मतलब है, और जो वैल्यू ऐड करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होती, इससे मैं क्या, इसमें क्या करें? दराज के ऊपर जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना कार्गो के वाले से, शायद इसको मैं आंसर नहीं कर सकूंगा, और ना ही मैं दराज पे सेलिंग कर रहा हूँ, मेरे अपने स्टोर्स हैं, हमारे अपने सोल्यूशन हैं, तो इसका शायद कोई दराज का स्पेसिफिक बंदा इसके लिए गाइड इकरा, कर सके, आप दराज की हेल्पलाइन है, आप काइंडली उन पे उनकी कॉन्टेक्ट सपोर्ट से करें, बात हम करें। आपको बता देंगे। अच्छा, एक फयाज राव का क्वेश्चन आया है, वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं, सर अमेजोन में वन लिंक को अटैच करना है काफी है, या फिर अलग से इंडिया चाइना का भी अकाउंट बना के वो भी अपने अकाउंट के साथ लिंक करें? अच्छा, ये पर्टिकुलरली टोटल शिफ्ट हो गया, ही इज आस्किंग अबाउट अमेजोन एफिलिएट्स नॉट ई कॉमर्स। तो अमेजोन एफिलिएट्स के अंदर एक वन लिंक ऑप्शन होती है जिसके अंदर आप इंटरनेशनल सेल्स अचीव कर सकते हैं। नॉर्मली आप जब एफिलिएट लिंक बनाते हैं तो स्पेसिफिक कंट्री का बनता है, तो मेरी नज़र में ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप कंट्री के अलग अलग अकाउंट्स बनाएं, और उस कंट्री के लिए आपको अमेजोन के लिए आपको वर्डप्रेस के प्लगइन भी मिल जाते हैं जो रिडायरेक्ट करते हैं कंट्री को देख के उस एफिलिएट लिंक पे, या आप जीनियस के नाम से GENI.US, जेनी.US की एक सर्विस है, उस सर्विस से भी आप अपने रिंक को लिंक्स रोटेट करवा सकते हैं, जिस कंट्री की ट्रैफिक होगी उस कंट्री के स्टोर से वो परचेज करवाएगा और आपको एफिलिएट कमीशन मिल जाएगा। अच्छा इनाम साहब, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि मुझे काइंडली आप ये बताएं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स? यार ट्रेडिशनल ई कॉमर्स वही, जैसे हमने बात की ना कि इसमें सारे जो मार्केटिंग के वर्टिकल्स हैं टोटली डिफरेंट हैं, मार्केटिंग वर्टिकल्स का ही ज़्यादा फर्क है ना इसके अंदर। ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप डिजिटल बहुत कम है कि आप जाते हैं उसके अंदर वहाँ पर जो आपके खाते होते हैं, जो आपकी बुक होती है, जो आपके अकाउंट्स होते हैं, जो आपके मुंशी होते हैं, वो एक अलग कल्चर है, ठीक है, वो एक अलग कल्चर है, और उसमें रोकड़ पूरा करना, शाम को खाते पूरे करना, खाते मिलाना, फिर दुकान का शटर नीचे होता है, फिर ताला लगता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक डिजिटल इन्वेंट्री, एक डिजिटल सिस्टम है, सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, सही, तो इसमें एक्सीलेंट। इट्स वेरी इजी कंपेयरिंग टू दैट। अच्छा, अब हमारा जो है वो शो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो इनाम साहब कोई खास एडवाइस हमारी आप व्यूअर्स को देना चाहे ई कॉमर्स को, के इनको मतलब कोई आपकी तरफ से एडवाइस, कोई स्ट्रेटजी, कोई कम्युनिकेशन? मैं यहाँ पे वहाँ मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि बीइंग अ बिजनेसमैन इज़ वेरी टफ और बीइंग अ जॉब होल्डर इज़ वेरी इजी, और अगर आप 1-2 लाख रुपया लगा के रात को इजीली सो सकते हैं तो आप बिजनेस का सोचें, अगर आप नहीं सो सकते तो फिर आप उसका ना सोचें, आप कोई और काम करें, और कोशिश करें कि आप जो है वो थोड़ा सा पेशेंस को साथ रखें। ई कॉमर्स विद फेसबुक इन पाकिस्तान इज़ वेरी इजी एंड इज़ वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है, वेरी प्रॉफिटेबल, ये दो तीन इसके मैं इस ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों में हूँ, मैं इन चीज़ों को मैं काम कर रहा हूँ, जो फिल्टर्स जो चीज़ें मैंने आपको शो की हैं वो अगर आप उनको थोड़ा डिप्लॉय करके 120-200 रुपये की एड चलाएंगे तो आप बड़ा इजीली रिजल्ट देख सकते हैं। अब ये देखें पाकिस्तान के अंदर आप खुद बताओ, वहाँ आप कोई ऐसा बिजनेस है कि जो 200 रुपया रोज का लगा के कोई सेल जनरेट करवा सके? कोई नहीं, ऐसा कोई कोई बिजनेस नहीं है, नहीं, कोई कोई नहीं है। ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप डिफेंस के पोश एरिया के बंदे को जब वो अपने बेडरूम में 40 इंच की LCD पे बैठा हुआ है उसको आप प्रोडक्ट दिखा दें,
बिल्कुल नहीं है। इवन के तो सर रास्ता 200 रुपये में पहुंच ही नहीं सकते। मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में कि इस वक्त सबसे जो अगर सस्ता अगर मार्केटिंग का कम्युनिकेशन का चैनल देखा जाए तो वो ब्रोशर है। और ब्रोशर की अगर A4 साइज अगर आप प्रिंटिंग लें, उसकी डिजाइनिंग लें, उसकी उसको अगर आप वो हॉकर एक्टिविटी ऐड करें तो 10,000 रुपया मिनिमम है। और वो भी सही बंदे तक पहुंचता है, वो जो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं डिफेंस में, वो गार्ड हाँ पहले उस बार को झाड़ेगा, उसमें से जो हाँ ब्रोशर उनको साइड पे रखेगा, और मालक जो उसका मालक होगा उसकी टेबल के ऊपर बिल्कुल रॉ मटेरियल जाएगा। तो आपकी बात जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई मीडियम मौजूद नहीं है जो 120 रुपये 130 रुपये से एग्जैक्ट टारगेट मार्केट तक आपका मैसेज पहुंचा हाँ सके। जी, एक एग्जीक्यूटिव क्लास तक आपके प्रोडक्ट पहुंचा दे, जिसके पास बाइंग पावर भी है, जो खरीद भी सकता है, तो जहां से भी इसको जिस भी नजर से आप देखेंगे इसमें प्रॉफिट है। इसमें एक चीज़ है कि आपको थोड़ा सब्र का दामन पकड़ना है, थोड़ा सा डेडिकेशन शो करनी है अपने आपके साथ, थोड़ा लॉयल रह के पूरी मेहनत करें। और एक बिजनेस जो होता है ना, सियाने कहते हैं वो क्या उसका, हट्टी चट्टी खट्टी ते वट्टी, वो शायद आपने सुना हो कि दुकान जो होती है ना वो उसके स्टेप्स होते हैं, पहले आप तंग होते हैं, फिर आप डाउन जाते हैं, फिर आप उसके बाद उसमें प्रॉफिट आना शुरू होता है, 6 महीने बिल्कुल साल का एक फ्लो है। तो डिजिटल में शायद हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम समझते कि एक रात हमने 10 रुपए की ऐड चलाई है तो उसको 2,000 रुपए की सेल होनी चाहिए। थोड़ा सा चीज़ों को रियलिस्टिक वैल्यूज में देखें कि आप कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई पैसा नहीं लगा रहे, तो आप जो है वो 100-200 रुपए की ऐड कम अज़ कम 10-15 दिन तो चलने देना, इतने के तो आप पिज्जे खा जाते हैं, ठीक है। उसके बिल्कुल बाद देखें यार कोई रिजल्ट आया है कि नहीं, फिर आप किसी बंदे से कंसल्ट करें, मेरे जैसे बंदे से कर लें, वहाँ आपसे कर लें, जो भी आपको बंदा लगता है उसको रिक्वेस्ट करें, और ऐसे बंदों को सलाम और हाउ आर यू ना पूछा करें, ठीक है। सलाम के फौरन बाद अपना मसला टाइप कर दिया करें, वो जब उनके पास टाइम होगा आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। एक्सलेंट और बिल्कुल कम्युनिकेट करें उनके साथ, कम्युनिकेट करें, वो आपको गाइड करेंगे, हाँ यार यहाँ पे तुम्हारी गलती थी। ऐसा ना करें कि सर मैं ई कॉमर्स शुरू करना चाहता हूँ, कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप उन्हें बताएं सर मैंने 1 हफ्ता ऐड चलाई थी, मुझे सेल नहीं आई, फिर मेरे जैसा बंदा हो सकता है आपसे मोबाइल नंबर लेके आपको कॉल करे यार तुझे क्यों नहीं सेल आई, बिल्कुल सही है। थोड़ा समझें कि आप अगले बंदे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल है, और आपने बहुत अच्छी बात की है। दूसरा व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी हवाले से इनाम साहब से कांटेक्ट करना चाहें तो इनका फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल भी मौजूद है, आप इनके साथ डायरेक्ट बिल्कुल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनको आप अपना कोई भी है वो प्रॉपर तरीके से इनके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी इनाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और टाइम बड़ा शॉर्ट था, और यकीन करें इस घंटे का पता भी नहीं चला जो चीजें ऐसे आपने ही बताई। माशाल्लाह आपसे मुझे भी बहुत सीखने को मिला, और यकीन चलो करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सीखने को मिला होगा, क्योंकि आप एक पूरा जो है ई कॉमर्स का समंदर है, आपके साथ 10 घंटे भी बैठे जाए तो वो खाली नहीं होगा। तो सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला चलिए आपको ऐसे ही सेहत तंदुरुस्ती और लोगों में इलम बांटते रहने में जो है आपको मगन रखे, और अपने हिफ्ज़ोमान में रखे, और आपके लिए आसानियां पैदा करे। तो इंशाल्लाह जो है थैंक यू, आप जो है वो इसी तरह ही आगे काम करते रहें और लोगों को इलम सिखाते रहें। बाकी थैंक यू व्यूअर्स, सो मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया, और इनाम साहब का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट टॉपिक और नए गेस्ट के साथ नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हाजिर होंगे। और इनाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच थैंक जी, अल्लाह हाफिज, एवरीवन यू, अल्लाह और बाकी हाफिज। व्यूअर्स को भी जी थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।